नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा बाहर की चीज़ें, चटरपटर चीज़ें खाने की इच्छा होती है और इसी मौसम में सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केस देखे गए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें क्या प्रिवेंशन या प्रिकॉशन रखना चाहिए और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस क्यों आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस मौसम में सडन चेंज ऑफ वेदर होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है वातावरण में, उमस होती है, उसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है। यह सबसे अच्छा मौसम होता है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को ग्रो करने के लिए, इसलिए वो फूड आइटम्स पे या दूसरे आइटम पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसलिए यदि कोई खाना कच्चा है या पुराना हो गया है या कोई फ्रूट है काट के रखा है और उसमें जल्दी ही वो फंगस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन लग जाते हैं और यदि वो खाना हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि नॉर्मल वोमिटिंग और डायरिया से फूड पॉइजनिंग अलग कैसे है। दोस्तों, नॉर्मल वोमिटिंग डायरिया में क्या होगा कि पेशेंट को एक तो हिस्ट्री नहीं होगी कुछ बाहर खाने की या कुछ गड़बड़ खाने की, पहली बात, और दूसरा एक स्टेज के बाद वो स्टॉप हो जाता है और कुछ और भी साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं। लेकिन फूड पॉइजनिंग के वोमिटिंग डायरिया के केस में पेशेंट को नॉन स्टॉप वोमिट और डायरिया होता रहता है, उसको इसमें आराम दवाई के बाद ही आता है और मेन थिंग उसको फूड मीन्स उसको बाहर के खाने की या कुछ ऐसा खाने की, इन्फेक्टेड फूड खाने की हिस्ट्री मिलती है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनके सिम्टम्स की। इसमें चार सिम्टम्स बहुत मेन देखे गए हैं, पेशेंट को नोशिया वोमिटिंग होता है, उसको डायरिया होता है, उसको स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं और साथ में पेशेंट को कभी कभी इन्फेक्शन के कारण फीवर भी आ जाता है। इसमें नंबर वन पे हम बात करते हैं नोशिया और वोमिटिंग की। पेशेंट को बहुत नोशिया फील होता है, उसको घबराहट होती है, उसको लगता है कि उसका खाना पूरा जो खाया है वो निकल जाएगा और वोमिटिंग के फॉर्म में निकल भी जाता है। फिर निकलने के बाद यदि वो कुछ और भी खाता है तो वो भी निकल जाता है क्योंकि पेट में इन्फेक्शन बना हुआ है। इवन वो पानी भी पीता है तो पानी भी निकल जाता है। इसमें नंबर टू सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को डायरिया भी शुरू हो जाता है। यदि इन्फेक्शन लोअर जीआईटी तक शिफ्ट हो गया तो उसको डायरिया या लूज मोशन की समस्या भी हो जाती है। स्टूल में बहुत गंदी स्मेल आती है, वो कुछ भी खाता है उसको पोटी के लिए जाना होता है, इवन पानी भी पीता है तो लास्ट में तो उसको एकदम फ्लूड वॉटरी डायरिया निकलने लगता है और स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है, उसको पेट दुख दुख के उसको मोशन के लिए जाने पड़ता है। इसमें एक सिम्टम बहुत मार्क्ड है, पेशेंट को वोमिटिंग हो, उसको डायरिया हो, उसको अपर एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे की तरफ उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं, ये इसका बहुत मार्क्ड सिम्टम होता है दोस्तों। और लास्ट एक सिम्टम ये है कि यदि पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़ता गया तो उसको साथ में फीवर भी आने लगेगा और बॉडी एक होगा और उसको कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी आगे दिखने लगेंगे, जैसे टंग कोटेड दिखेगी, इस तरह के सिम्टम पेशेंट को आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन आती है आर्सेनिकम एल्बम। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग के केस में आर्सेनिकम एल्बम वरदान है। जब भी किसी को फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है, उसमें उसको वोमिटिंग आ रही है, इवन द साइट ऑफ फूड, यदि घर में खाना भी बन रहा है या किसी की थाली में खाना भी रखा है, उसकी स्मेल भी पेशेंट को सहन नहीं होती है और जो भी खाता है वो पूरा निकाल देता है और ऐसे ही उसको डायरिया भी शुरू हो जाता है और बहुत ही बदबूदार स्मेल आती है उसके स्टूल में। पेशेंट को साथ में बुखार भी आने लगता है, पेशेंट बहुत वीक हो जाता है। यदि इस तरह के सिम्टम आते हैं तो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी हम आर्सेल्फ को दे सकते हैं और फूड पॉइजनिंग के पूरे केस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है आर्सेनिकम एल्बम। इसमें नंबर टू पर मेडिसिन होती है एलोस। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को लूज मोशंस बहुत ज़्यादा वॉटरी हो जाते हैं, इवन उसको गैस पास करने में भी उसका वॉटरी स्टूल पास हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है और ये कंप्लेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है तो पेशेंट को साथ में म्यूकस, लैटिन में डिसेंट्री या म्यूकस की समस्या भी हो जाती है,
तब यदि हम ये मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। अब इसमें नंबर 3 पर मेडिसिन आती है चाइना 30। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देंगे कि उसको ये सब तो बना ही हुआ है, वो तो आप आसर से और इसे अपने एलोस से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनने लगती है, उसको स्टमक क्रैम्प्स आते हैं और इसके बाद फूड पॉइजनिंग के बाद जो वोमिटिंग और डायरिया हुआ है उससे बॉडी वीक हो गई है, तो चाइना इस कंडीशन को बहुत अच्छे से कवर करता है दोस्तों। अब इस कड़ी में एक मेडिसिन और आती है कोलोसिंथ। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत कोलिक मतलब पेट का दर्द बना हुआ है, उसको बैंड डबल होके बैठना पड़ता है, उसको आराम नहीं आता है और डिसेंट्रिक स्टूल भी यदि साथ में शुरू हो जाते हैं तो कोलोसिंथ 30 बहुत अच्छे रिजल्ट देती है दोस्तों। अब इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है इपिकॉप। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को यदि वोमिट में आराम नहीं आ रहा है और वोमिट इवन द पानी भी पी रहा है तो निकल रहा है, तो अब आर्सेनिकम एल्बम के साथ इपिकॉक को भी साथ में दे सकते हैं, उससे पेशेंट की वोमिट में आराम आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको फूड पॉइजनिंग के केस को समझने में, उसको ट्रीट करने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।